कुछ मजीद खबरों को शामिल करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि इससे कबल के बलोचिस्तान के हवाले से खुदा न खास्ता कोई सानहा रूनमा हो, एक ऐसा कमीशन बनाया जाए ताकि कबल अज वक्त अलहदगी का सदेबाब किया जा सके। ख्यालात का इजहार उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 28वें यौम तासीस पर मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि बलोचिस्तान के सिर्फ चंद सरकारी मकामात पर ही पाकिस्तानी झंडा लहराया और चंद मकामात पर ही कौमी तराना पढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूबों को मजबूत और खुद मुख्तार बनाए बगैर पाकिस्तान और वफाक ना तो मजबूत होगा और ना ही खुशहाल होगा। कॉन्फ्रेंस से अब्दुल वाहिद, अशफाक मंगी और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया।